गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा अरोड़ा फ्रॉम लाइव पब्लिक स्कूल जे एन बी का. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वांट टू से समथिंग कि आप लोग जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप लोग एक ही जगह बैठकर के क्लास अटेंड करेंगे. अपने वीडियोस ऑफ रखेंगे आप लोग, ठीक है, बार बार ऑन या ऑफ नहीं करेंगे. उसे लास्ट के जो 10 मिनट्स होंगे उसके अंदर आप अपने वीडियो को ऑन करेंगे, ओके. सेकेंड थिंग, अभी भी कल के डेट में केवल एक ही बच्चे ने काम भेजा है नोटबुक में, इसके अलावा किसी भी बच्चे का वर्क अभी तक नहीं आया है. तो आप लोग अपना वर्क आज तक अपना कंप्लीट करके सेंड करें, क्योंकि आपने कल देखा होगा ग्रुप में भी मैसेज आया हुआ है कि आप अपना वर्क, क्योंकि कल एक दिन का ब्रेक लिया गया है इसीलिए आपका चैप्टर 9 वर्क नहीं आ. कल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व किए थे, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉल्व. तो जो हमें इसके अंदर कहा गया है वही हमें सॉल्व करना है. उसी हिसाब से इसमें मल्टीप्लीकेशन दिए गए हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे. 525 रुपीज 25 पैसा मल्टीप्लाई बाय 13. मतलब ये कह रहा है कि 525 रुपीज 25 पैसे को 13 से मल्टीप्लाई कराना है. तो आप सबसे पहले यूनिट लिखेंगे ऊपर रुपीज और पैसे की, इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 525 रुपीज और पैसे में 25 और 13 इधर ही लिखेंगे आप, फिर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे. 3 5 15 का 5 कैरी ऑफ 1, 3 2 6 + 1 7, 3 5 15 का 5 कैरी ऑफ 1, 3 2 6 + 1 7, 3 5 15. ये फर्स्ट मल्टीप्लाई हो गया. अब इसके बाद 1 से कराएंगे, ठीक है. 1 को यहाँ 0 लगा देंगे, 1 को 5 से कराएंगे, 5 5 2 1 2, 5 5 2 1 2, 5 5. अब आप ये देखेंगे, देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि रुपीज और पैसे के बीच में जो स्पेस है वो इससे स्पेस को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है. ये नहीं कि हमने पास पास लिख दिया, ये स्पेस अगर मेंटेन होगा तो आप रुपीज और पैसे को अलग अलग लिख सकते हो, ठीक है. 5 7 + 5 12 2 कैरी ऑफ 1, 5 + 1 6 और 2 8, 7 + 5 12 2 कैरी ऑफ 1, ठीक है. 5 + 1 6 6 + 2 8 5 + 1 6 6 था. अब आप ये देखेंगे यहाँ पे रुपीस और यहाँ पे पैसे, 6828 रुपीस 25 पैसा. इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करवाना है. नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड, 507 रुपीस 75 पैसा. सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से. 507 रुपीस 507 रुपीस 75 पैसा मल्टीप्लाई बाय 16. अब आपको किससे मल्टीप्लाई कराना है, 16 से मल्टीप्लाई कराना है. तो रुपीस आप लिखेंगे इधर, इधर पैसे लिखेंगे. 507 75 पैसा मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है. अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 5 30 का 0 कैरी ऑफ 3, 6 7 42, 42 में 3 + 45 का 5 कैरी ऑफ 4, ठीक है. 6 7 42, 42 में 4 + 6 कैरी ऑफ 4. 6 को किसी भी 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर हमारे पास 0 ही आता है. 0 में 4 प्लस करेंगे तो 4, 6 5 + 13, ठीक है. आप देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप है. इसके बाद हम 0 लिख देंगे यहाँ पे, 5 5 5, फिर 7 7 7, 7 7 7, 0 0 0, 5 5 5. अब इसको हम प्लस कराएंगे, 0 5 + 5 10 का 0 कैरी ऑफ 1, 6 + 1 7, 7 + 7 14 का 4 कैरी ऑफ 1, 7 + 1 8, 8 + 4
12 का 2, कैरी ऑफ 1, 5 प्लस 3 इज 8। तो देखिए पैसे में जो 0 0 है 8124 रुपीस। ओके, क्या आंसर आया हमारे पास 8124 रुपीस। अब थर्ड देखेंगे इसी तरीके से, हम थर्ड भी सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड नंबर इसी का 899 रुपीज, नोट डाउन करिए, संग के संग सॉल्व करिए इसको। 899 रुपीज 50 पैसा मल्टीप्लाई बाय 17। इसको अब हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, 17 से मल्टीप्लाई कराना है। ए रुपीज का कॉलम बनाएंगे, फिर हम एक जगह पैसे का कॉलम बनाएंगे। 899 50 पैसा मल्टीप्लाई बाय 17। 7 0 का 0 7 5 का 30 का 0, कैरी ऑफ 3, 7 9 का 63। 63 में आप 1 प्लस करेंगे 69 का 9, कैरी ऑफ 6, 7 9 का 63, 63 में 6 प्लस करेंगे वापस से 69 का 9, कैरी ऑफ 6, 7 8 का 56, 56 में 6 प्लस करेंगे 56 में 6 प्लस करेंगे 62। ठीक है, इसके बाद हम 0 लगा देंगे इधर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 0 0, 5 5 9 9 8, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 7 5 35 का 5 7 9 16 9 5 9 और 5 14 का 4, कैरी ऑफ 1, 9 प्लस 9 18, 18 में 1 प्लस 19, 19 आ गया, कैरी ऑफ 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 2 12 का 2, कैरी ऑफ 1, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 6 15। तो आंसर क्या हो गया, ये रुपीस और ये पैसा, 15,294 रुपीस 50 पैसा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो लास्ट क्वेश्चन बचा है वो आपको खुद को सॉल्व करना है। अगर यदि कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे से सॉल्व कर, स्टार्ट कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4, 13 वुमेन ऑफ गोरिल्ला विलेज गॉट 35,755 रुपीज 20 पैसा फॉर बाइंग स्विंग मशीन अंडर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। ठीक है, 13 वुमेन जो है, ठीक है, वो एक गांव की है, गोरिल्ला गांव जो है, वहां पे उन्होंने 35,755 रुपीज 20 पैसे खर्च करके उन्होंने एक स्विंग मशीन, मतलब सिलाई की मशीन उन्होंने खरीदी। एक योजना चल रही थी प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, हाउ मच मनी ईच वुमेन वुड हैव रिसीव्ड। तो हर एक लेडी ने वहां पे कितने रुपए उनको मिले हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट हमारे को दिया हुआ है, 13 मशीन उन्होंने खरीदी है, तो इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टोटल सारा कुछ दिया हुआ है। एक लेडी का पूछ रहे हैं, एक वुमेन का पूछ रहे हैं कि एक वुमेन को कितने रुपीज मिले हैं, 13 वुमेन जो है, 13 वुमेन को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो क्या करेंगे इधर देखिए, टोटल अमाउंट अमाउंट 35,755 रुपीज 20 पैसा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ वुमेन, ये
number of women 13. अब हम क्या करेंगे इसको कि 13 वुमेन को कितना अमाउंट मिला उसके लिए हम देखेंगे तो हम डिवाइड करेंगे ईच वुमेन got the money तो इसके लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 35,755 रुपीस 20 पैसा इसमें हम किसका डिवाइड करेंगे 13 का। हम मैंने आपको कल दो मेथड बताए थे कि या तो आप इसको रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए तब भी डिवाइड दे सकते हो या फिर डायरेक्ट डिवाइड भी दे सकते हो। तब डायरेक्ट डिवाइड भी देके देख लेते हैं 13 2 जा 26 13 3 जा 39 तो 2 टाइम जाएगा 13 2 जा 26। अब देखिए 5 में से 6 नहीं जाता 1 बार करे 15 और यहाँ पे 2 15 में से 6 देन 9 0 नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7। अब देखिए 97 तो 13 7 जा 91 और 13 8 जा 104 तो 7 टाइम जाएगा 13 7 जा 91 7 में से 1 गए 6 9 में से 9 गए 0 नेक्स्ट नंबर करेंगे 65 ठीक है 13 6 जा 78 भी जाता है 13 5 जा 65 जीरो हो गया और नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 5 ठीक है। अब 5 उतारते हैं तो 5 का ऑलरेडी छोटा है तो हम नेक्स्ट नंबर क्या उतारेंगे 2 ठीक है। जब हम 2 उतारेंगे एक और नंबर उतरेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 तो आपने 2 उतार लिया यहाँ पे 2 हो गया 52 तो 13 5 जा 65 ठीक है 13 4 जा 52 तो 13 4 जा 52 माइनस किया 0 फिर ये 0 उतारेंगे तो नहीं जाता तो इधर 0 तो अब आप ये देख रहे हो कि हर एक वुमेन को कितने रुपीज मिल रहे हैं यहाँ पे देखो 13 4 जा से पहले यहाँ पे हमने 0 लगाना है ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि कितनी बार डिवाइड जा रहा है रुपीज 2750 रुपीज 40 पैसा ठीक है। ये टोटल अमाउंट इसको मिलेगा हर एक वुमेन को कितना मिल रहा है 2740 रुपीज 50 रुपीज 40 पैसा ठीक है। तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सुजल बॉट अब ये देखिए वापस से आपके देवनागरी लिपि में आपके नंबर्स आ गए हैं ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ी रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं या क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में लास्ट में करवाते हो पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। अ फ्रूट सेलर वेंट टू मार्केट विद 335,916 रुपीस। एक फ्रूट सेलर है तो मार्केट जाता है तो 35,916 रुपीस लेकर के जाता है। फ्रॉम दिस ही हैज पेड 12,763 रुपीस 30 पैसे फॉर एप्पल और वो एप्पल के लिए कितना अमाउंट पे करता है 12,763 रुपीस 30 पैसा एंड 13,243 रुपीस 30 पैसे फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स के लिए 13,243 रुपीस 30 पैसा पे करता है एंड 947 रुपीस 25 पैसा बनाना के लिए 947 रुपीस 25 पैसा पेमेंट करता है। नाउ हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम तो कितना अमाउंट उसके पास बचा है। तो हम क्या करेंगे टोटल अमाउंट आपको कितना दे रखा है कि अ फ्रूट सेलर है सेवेंथ क्वेश्चन कर रहे पहले अ फ्रूट सेलर
A fruit seller has money. कितनी मनी है इसके पास? 35,916 रुपीज. ये इतना अमाउंट है. अब वो एप्पल के लिए कितना खर्च करता है? He has paid for apples. Apples के लिए कितना अमाउंट पे कर रहा है? 12,763 रुपीज 30 पैसा. और grapes के लिए वो पे करता है 13,243 रुपीज 30 पैसा. एंड लास्ट बनाना के लिए वो बनाना के लिए रुपीज पे करता है 947 रुपीज 25 पैसा. अब ये कह रहा है कि लास्ट में उसके पास कितना अमाउंट बचा, तो हम क्या करेंगे, जितना उसने पे किया उसको पहले प्लस करा देंगे. टोटल अमाउंट पे, ठीक है, कितना अमाउंट पे किया पहले प्लस कर देंगे रुपीज एंड पैसे को. रुपीज देखिए एप्पल पे कितना है, 12,763 रुपीज 30 पैसा. ग्रेस पे 13,243 रुपीज 30 पैसा. और ग्रेप्स पे बनाना पे 947 रुपीज 25 पैसा. इन सबको हम प्लस करा देंगे 5, 3+3 6+2 8, 3+3 6 7+6 13+3 कैरी ऑफ 1, 6+4 10, 14+1 15+5 कैरी ऑफ 1, 9+1 10, 17+2 19+9 कैरी ऑफ 1, 3+2 5+1 6 और 1+1 2. तो कितना अमाउंट हो गया ये 26,953 रुपीज 85 पैसा. अब इसमें से ये कह रहा है कि लेफ्ट अमाउंट बताना है, कितना लेफ्ट अमाउंट. तो कैसे करेंगे, लेफ्ट में माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना है 35,916. मैं ऊपर कर दूं इसको सॉल्व, लेफ्ट मनी, लेफ्ट मनी में आप टोटल अमाउंट है रुपीज और पैसे का कॉलम बनाएंगे, रुपीज और पैसे. रुपीज कितने हैं 35,916 और पैसे में कुछ भी नहीं है तो हम 00 मेंशन कर देंगे. कितना अमाउंट पे किया 26,953 रुपीज, पैसे कितने 85. अब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, जीरो में से फाइव नहीं जाता तो बोरो करेंगे, ये भी नहीं दे सकता, ये दे दो, सिक्स की जगह फाइव, इधर टेन हो गए, टेन में इसको किया तो इधर टेन और इधर नाइन, 10 - 5 - 5, 9 - 1 - 8 - 1, 5 - 3 - 2 और 1 - 5 माइनस नहीं हो सकता, 1 - 11 और इधर 8, 11 - 5 - 6, 8 - 9 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो, 18 - 9 - 9, 4 - 6 नहीं जा सकता तो 1 बोरो, 14 - 6 - 8, 2 - 2 - 0. तो आंसर क्या हुआ 8,962 रुपीज 15 पैसे. ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन आपको. मीरा के पास 20,974 रुपीज 80 पैसे है. Of these, she had spent 10,544 rupees 40 paise.
अब मीना के पास 20,974 रुपीस 80 पैसे है, जिसमें से वो 10,544 रुपीस 40 पैसे खर्च कर देती है एंड रिमेनिंग अमाउंट शी इक्वली डिवाइड्स बिटवीन हर सन एंड डॉटर। और जो बचा हुआ अमाउंट है उसको बराबर से अपनी बेटी और बेटे के बीच में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। तो हाउ मेनी रुपीस ईच विल गेट, तो दोनों को कितना अमाउंट दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। मीरा के पास कितना अमाउंट है, मीरा हैज मनी, कितना अमाउंट है 20,900 रुपीज, 20,974 रुपीज 80 पैसे, ठीक है। अब इसके बाद शी स्पेंड कितना मनी खर्च कर रही है, 10,000 रुपीज, 10,544 रुपीज 40 पैसे, ठीक है। इतना वो अमाउंट खर्च कर रही है, उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, रिमेनिंग भी लिखा हुआ आता है तो हम इस केस में भी माइनस करवाते हैं। रिमेनिंग अमाउंट अब रुपीज और पैसे की हेडिंग डालेंगे, हम रुपीज और पैसे, रुपीज कितने 20,974 और पैसे 80, ठीक है। और कितना खर्च किया, 10,544 40 पैसे, इतना अमाउंट कितने खर्च किया है, तो हम उसको माइनस करवा देंगे 0, 8 माइनस 4 4, 4 में से 4 गए 0, 7 में से 4 गए 3, 9 माइनस 5 4 0, 2 में से 1 गए 5, तो 10,430 रुपीस 40 पैसे। ये तो क्या हुआ, इसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है। अब ये कह रहा है कि अपने डॉटर और सन के बीच में कितना अमाउंट बांटेगी, मतलब कि 10,430 रुपीस वो डिवाइड करेगी, लेकिन हर एक को कितना मिलेगा। दो जनों में डिवाइड कर रही है तो हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए रुपीस ईच, इसको मैं मिटा रही हूं सब से, ईच अमाउंट विल गेट ईच अमाउंट विल गेट। अब देखिए वो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन भी मैटर करता है क्योंकि दो पर्सन के बीच में वो डिवाइड कर दिया, तो 10,430 रुपीस 40 पैसे, ठीक है। और कितने के बीच में डिवाइड कर दिए, 2 पर्सन, क्योंकि सन और डॉटर के बीच में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 5 10, ठीक है, माइनस हो गया 0, 4 होता 2 2 4, 0 हमने 3 उतारा, 2 1 2, 3 में से 2 गए 1, 0 उतारा 2 5 10। अब आप देख लो यहाँ पे रुपीस की वैल्यू खत्म हो चुकी है, किसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है, रुपीस की। अब 40 की वैल्यू, पैसे की वैल्यू स्टार्ट हो गई है, तो हमने 4 उतारा 2 2 4 माइनस 0, फिर इस 0 को उतारा हमने तो 0 इधर हो गया, तो हर एक को कितना अमाउंट मिल रहा है, 5,215 रुपीस 20 पैसे। इज दैट क्लियर, क्लियर हो गया सबको।